देखो दोस्तों, ये MI नोट 7 जिसमें कि टच काम नहीं कर रही है। MI नोट 7 देखो, प्रॉपर टच काम नहीं कर रही है, टच इसकी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। जिसमें कि मैंने इसकी ग्राफिक IC चेंज करी है, चेंज करने के बावजूद डिस्प्ले ब्लैंक थी, डिस्प्ले तो आ गई इसकी, लेकिन इसकी टच काम नहीं कर रही है। टच को रिपेयर करने के लिए क्या करें, आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें और कोई भी स्टेप मिस ना करें। अभी एक छोटे से जम्पर द्वारा इसकी टच वर्क करने लगेगी। जम्पर करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जम्पर किस जगह करना है और कैसे करना है। अभी ये मैं जम्पर करता हूँ, उसके बाद जस्ट आपको दिखाता हूँ कि जम्पर कहाँ करना है और कैसे करना है। ठीक ठीक तो दोस्तों, जम्पर मैंने मार दिया है और जस्ट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि जम्पर कहाँ करना है, किस जगह करना है। जैसे कि ये जो वीडियो क्लियर नहीं आ पा रही, देखो जैसे कि ये देखो, ये जम्पर किया है मैंने, चिमटू थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो हाँ चिमटी की नोक है, ये यहीं यहाँ दोस्तों, आपको जैसे जो जगह खाली दिखती है, इन दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करना है। जैसे आप शॉर्ट कर देंगे, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी और MI नोट 7 फ़ोन की जो टच नॉट वर्किंग से, यानी टच काम नहीं कर रही है, वो टच काम करने लगी है। मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। इस फोन में एक समस्या और है, इसलिए कभी कभी ऑफ हो जा रहा है, यानी इसके बैटरी कनेक्टर में लूजिंग है, ऑन हो जाता है ठीक है, अन्यथा मैं इसका बैटरी कनेक्टर रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखो ऑन तो हो रहा है, शायद अगर ऑन हो जाए तभी ना, बंद हो गया। देखो ये समस्या आ रही है बार बार, और कभी कभी इस फ़ोन में ये भी दिक्कत है कि बैटरी फिक्स 50% ही शो कर रहा है, ना तो 50% से कम ना 50% ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम भी इसमें बताइए कस्टमर ने मुझे, ये भी सॉल्व करनी होगी। और ये समस्या जो 50% वाली बहुत ही जी है, ये सी के बैटरी कनेक्टर से ही प्रॉब्लम है, जहाँ की बैटरी का पत्ता लगाते हैं, यहाँ बैटरी लगाते हैं बैटरी वाले जैक में, ये समस्या बैटरी वाले जैक से है। तो अभी मैं इसे कोशिश करता हूँ कि बैट प्रेस करके ऑन करने की, ऑन नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसके बैटरी कनेक्टर पे सोल्डिंग करता हूँ ताकि ये समस्या बार बार ना हो, परेशान ना हो। ये मैं इसके बैटरी कनेक्टर पे सोल्डिंग कर रहा हूँ। मैंने बैटरी कनेक्टर पर सोल्डिंग कर दी है, अब मैं इसे आपको ऑन करा के और इसकी टच चेक करवाता हूँ कि टच में हमारी टच काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, शायद इसकी बैटरी डाउन है, बैटरी भी इसकी चार्ज कभी कभी इसकी बैटरी भी प्रॉब्लम कर रही है, देखो बैटरी भी चार्ज है इसकी। मैं दोस्तों ये फ़ोन ऑन करता हूँ और आपको इसकी टच चेक करा के दिखाता हूँ कि टच वर्क कर रही है या नहीं कर रही है।
हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, ऑन होने वाला है। देखो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और ये देखो हमारी टच वर्क करने लगी। वही सेम फ़ोन देखो, हमारी टच प्रॉपर काम कर रही है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा तरीका है।